हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, टेकी यासर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, गरम टेक अपडेट्स आप लोग लेके आ चुका हूं, तो फटाफट से पेन लो ग्लास कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो वीवो की एक्स सीरीज के बारे में तो आप सभी को पता होगा। अब उसका जो सबसे नया स्मार्टफोन है वीवो X60 सीरीज चाइना में तो कुछ दिन पहले लॉन्च हो गया था, अब इंडिया में भी आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। वैसे वीवो इंडिया ने ट्विटर पर इसे कन्फर्म कर दिया है कि X60 सीरीज जो है कमिंग सून यहाँ पर बता दिया। और आपको बता दूं, ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन यहाँ पर रहते हैं वीवो की तरफ से। तो अगर आप ये सीरीज का वेट कर रहे थे, आप ये सीरीज को लेकर एक्साइटेड थे, तो कुछ ही दिनों में लॉन्च होगा। जब लॉन्च होगा तो डेफिनेटली बाकी की मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। सो गाइस, नेक्स्ट टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग जो है Samsung के Galaxy A52 A72 स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे थे। आज ऑफिशियली Samsung इंडिया ने भी यहां पर ट्विटर पे पोस्ट कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि जो Samsung का ऑसम अनपैक्ड इवेंट रहने वाला है 17 मार्च को, यहां पर ई सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबल लॉन्च भी यहां पर रहने वाला है। तो A52 A72 17 मार्च को इंडिया में देखने को मिलेंगे। 4G होंगे, 5G होंगे, वो तो तभी पता चलेगा। वैसे उससे पहले कुछ भी लीक्स वगैरह आती है तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें, एकदम गरमागरम यहां पर अपडेट है। ROG फोन 5 जो है फाइनली इंडिया में आज लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे यहां पर आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो ROG फोन 5 है उसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 888 वाला चिपसेट मिल जाता है। 144 हर्ट्ज का एक AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, काफी ब्राइट पैनल है, 1200 निट्स के साथ में आता है। एज वेल एज 8128 बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है। एज वेल एज 6000 एमएच की आपको बैटरी देखने को मिलती है। 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहां पर ये सपोर्ट करता है। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप है। 24 की सेल्फी है, एड ट्रिगर वगैरह देखने को मिलता है। 3.5 हेडफोन जैक ने वापस से इसमें वापसी करी है। तो बहुत ही धमाकेदार आपको यहां पर फीचर देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राइस पॉइंट भी यहां पर धमाकेदार है, क्योंकि जो बेस वेरिएंट है 8128 वाला ROG फोन 5 का, वो इंडिया में लॉन्च हुआ है 50,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, जबकि उसके ऊपर वाला वेरिएंट जो है 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाला, वो आपको देखने को मिलता है 58,000 रुपीज में। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रो वाले वेरिएंट की, जो कि Asus ROG फोन 5 प्रो जो है उसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है। उसमें आपको 16GB की रैम, 512GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। उसकी प्राइस पॉइंट रखी गई है 70,000 रुपए, जबकि जो अल्टीमेट वाला वेरिएंट है, सबसे टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है, उसमें आपको 18GB की रैम मिल जाती है, 512GB की स्टोरेज है, प्राइस पॉइंट रखी गई है 80,000 रुपए। तो अगर आप गेमर हो, पूरा दिन आपको सिर्फ गेम ही खेलना है और आपको कुछ काम नहीं है, तो डेफिनेटली आप ये सीरीज की देख सकते हो। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको यहाँ पर ये जो प्राइस पॉइंट वगैरह ये सीरीज ROG फोन 5 की जो निकल के आई है आपको सही लगी नहीं लगी, और आपको Asus की ROG सीरीज कैसी लगती है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। एंड हां गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्म गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाओ। सो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो भाई पोको X3 प्रो फाइनली कुछ ही दिनों में आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख जाएगा। ऑफिशियली यहां पर जो है पोको ने टीज करना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ही बड़ा लेटर आप बोल सकते हो, यहां पर पोको ने ट्विटर पे और बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट करे, और आप यहां पर अगर पढ़ना है तो डेफिनेटली आप जो है स्टॉप करके पढ़ सकते हो। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, वो अपने पोको F1 की बात कर रहे थे कि मतलब प्रोसेसर वगैरह दमदार है, वो टाइम पे सबसे बेस्ट फ्लैगशिप किलर टाइप का स्मार्टफोन था। वैसे ही टाइप का कुछ यहां पर लोग नया स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। एंड लेटर में अगर आप देखोगे तो 30 को हाईलाइट करा गया है, 21 को हाईलाइट करा गया है, प्रो को हाईलाइट करा है, और भी एक्स को यहां पर हाईलाइट करा गया है। तो इसका मतलब क्या है, X3 प्रो 30 मार्च तक के आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। एंड फ्लैगशिप टाइप का आपको यहां पर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा कम प्राइस पॉइंट पे, मतलब 20-25,000 रुपए की रेंज में जो है फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में पोको का एक नया डिवाइस जो है पोको X3 प्रो देखने को मिलेगा। चिपसेट की अगर हम बात करें, स्नैपड्रैगन 855+ या स्नैपड्रैगन 860, ये दोनों में से एक चिपसेट बताया जा रहा देखने को मिल सकता है। मैं यहां पर ये डिवाइस को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि F1 में जैसा कुछ हमें जो प्राइस पॉइंट वगैरह वैल्यू फॉर मनी मिला था, वैसे बताया जा रहा है ये डिवाइस में भी मिलने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, आप हो या नहीं हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है Realme 8 सीरीज रोज कुछ ना कुछ यहां पर जो है टीजर वगैरह आ रहा है, माधव सेठ कभी 888 बहुत सारी चीजें यहां पर दिखा रहे। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो कल
के दिन यहाँ पर जो है माधव सेठ ने एक यहाँ पर वीडियो यहाँ पर शेयर करे थे हमारे साथ में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को यहाँ पर हाईलाइट करा जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है, रियलमी 8 सीरीज में आपका एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। चिन की तरफ देखते हो तो थोड़ी मोटी चिन लग रही है, इसका मतलब 8 प्रो में मुझे लगता है थोड़ी पतली चिन आएगी। तो मैं भी जो रियलमी 8 हो या 8i हो उसमें भी एमोलेड इन डिस्प्ले वगैरह दे दे, तो इसलिए थोड़ी मोटी चिन यहाँ पर उन्होंने यूज करे। अब देखते हैं, वैसे कुछ ही दिनों में पता चलेगा किसमें एमोलेड है, कितना हाई रिफ्रेश रेट वगैरह है, लेकिन वो सारी चीजों को दूर रखते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया में रियलमी 8 सीरीज कब लॉन्च होने वाली है। तो जो बहुत ही अंदर की खबर बता रहा हूँ, बहुत लीक हो चुका है एंड ये बताया जा रहा है रियलमी 8 सीरीज जो है इंडिया में 24th of March को बताया जा रहा है लॉन्च हो सकती है, फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव यहाँ पर रहने वाली है। जी हाँ, ये न्यूज निकल के आई थी, मैं सोचा डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता है, लेकिन लीक होता है। 24th March के अराउंड ही आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा एंड 24th को ही मे बी आपको देखने को मिल जाए। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप में से कितने लोग यहाँ पर रियलमी 8 सीरीज को लेकर एक्साइटेड हो, आपकी क्या कुछ यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर ये सीरीज को लेके, बताना नीचे कमेंट्स में। तो गाइस, ये सारी धमाकेदार टेक अपडेट्स है जो कि मुझे आपको छोटे टाइम में यहाँ पर बताना था। आई होप सो कि मैंने अपना टाइम भी बचाया, आपका टाइम भी बचाया और गर्मा गर्म यहाँ पर न्यूज आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया हो। तो आई होप कि मैं सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।